एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम मोहम्मद वैसलम, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एमसीसी ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग के लिए जो काउंसलिंग होने वाली थी कल से, उसका ब्राउशर यानी रूल्स रेगुलेशंस का अपडेट जो है आ चुका है फाइनली। और अभी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस वजह से पूरी डिटेल वीडियो इसमें नहीं रहेगी। जो काउंसलिंग के पूरे रूल्स रेगुलेशंस हैं फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक, रजिस्ट्रेशन से एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक, उनको मैं इसमें कवर करूँगा। और बाकी जो पूरी काउंसलिंग है एमसीसी की, उसको मैं बाकी जो इसकी डिटेल वीडियो है वो आपको सुबह में मिल जाएगी जैसे ही मैं ट्रैवल करके कंप्लीट हो जाऊँगा। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करना है? जो ऑनलाइन एमसीसी का पोर्टल है www.mcc.nic.in, इस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन में आपको लाइव रजिस्ट्रेशन सुबह में करके दिखाऊंगा, तो आप उसके लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं जितने भी स्टूडेंट हैं। डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, और कोई क्वेरी रहेंगे तो उस पर भी डिटेल में हम वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद फ़ीस पेमेंट करना है। कितना पैसा आपको जमा करना होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। सिक्योरिटी अमाउंट आप जमा करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, और फिर उसके बाद आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी चॉइस फिलिंग की है आपने उसको लॉक करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आपका आएगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट राउंड जो है स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या आपका रजिस्ट्रेशन में और सिक्योरिटी अमाउंट में कितना अमाउंट लगेगा। हालांकि जो अमाउंट पिछले साल था वही सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी साल बदलाव नहीं हुआ है, वही जो लास्ट ईयर था उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। सिक्योरिटी अमाउंट और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी लास्ट ईयर की तरह सेम है। अगर आप डीम्ड कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का अमाउंट जो है 5000 लगेगा, वो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सेम अमाउंट है। और जो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज़ है, आप किसी भी कैटेगरी की हो। अगर डीम्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट और 5000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगेगा। तो टोटल आपका 2,05,000 रुपये यहाँ पर जमा होना है अगर आपको डीम्ड के लिए अप्लाई करना है तो। बाकी दूसरे वो स्टूडेंट होंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज की 15% ऑल इंडिया कोटा, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, DU, AMU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, AFMC, PSI, सभी AMC या जिपमर या BSc नर्सिंग के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है यानी रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो 1000 रुपये जमा करना है अगर आप अनरिजर्व्ड या EWS से बिलोंग करते हैं तो। या फिर अगर आप कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC, PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर जमा करना होगा। जो रिफंडेबल आपका सिक्योरिटी अमाउंट है अगर आप अनरिजर्व्ड या EWS से बिलोंग करते हैं तो 10,000 रुपये जमा होगा, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5,000 रुपये जमा होगा। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, अगर आप जनरल या EWS हैं तो आपको टोटल 11,000 रुपये लगेंगे, और SC, ST, OBC, PWD से आपके 5,500 रुपये लगेंगे। तो जब एक बार आपका फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट है और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जमा कर देते हैं, उस जमा करने के बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद आपका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, उस राउंड वन के रिजल्ट में या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी यस लिखा है, या फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी, दोनों में से कोई एक सिनेरियो हो सकता है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे और एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे यानी कॉलेज में जाकर आपने एडमिशन ले लिया, या फिर दूसरा ऐसा होगा अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपके पास ऑप्शन है फ्री एग्जिट का, आप कॉलेज में जाकर एडमिशन ही नहीं लेंगे और आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा। फ्री एग्जिट के लिए आपको अलग से कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, आप एडमिशन लेने नहीं जाएंगे, अपने आप फ्री एग्जिट हो जाएगा। अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है वहाँ पर आपको विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन भरना होगा राउंड टू के लिए। उस कॉलेज में ही आप कहेंगे कि मुझे अपग्रेड करना है तो वो एक फॉर्म देंगे, आप फॉर्म भरेंगे और उस तरह से आप अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं उसी कॉलेज में कंटिन्यू करना तो आप उसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको अपग्रेडेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस तरह से जो स्टूडेंट अपग्रेड करना चाहते हैं या जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है, वो दोनों स्टूडेंट ही सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे। और जो पहले स्टूडेंट यानी फर्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे वो सेकेंड राउंड में डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे और डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाया पार्टिसिपेट तो सेकेंड में कर सकता है। सेकेंड राउंड का फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी या फिर आपको सीट नहीं अलॉट होगी। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आप डायरेक्टली जो थर्ड राउंड है काउंसलिंग का उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन किए, डायरेक्टली आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी राउंड 3 में। या फिर दूसरे वो स्टूडेंट होंगे जिनको कॉलेज मिल गया राउंड 3 में, या तो उनको डायरेक्टली राउंड 2 में मिला है या फिर वो अपग्रेडेशन के थ्रू राउंड 2 में नया कॉलेज मिला है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको अपग्रेडेशन के थ्रू कॉलेज मिला है राउंड 2 में, उन स्टूडेंट को
जिस इस कॉलेज में पहले एडमिशन ले चुके थे वहाँ जाकर रिलीविंग लेटर लेना होगा, और वहाँ से जाकर जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाकर उनको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। तो अगर अपग्रेडेशन हुआ है तो पहले पुराने कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेंगे, फिर नए कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, या फिर डायरेक्टली आपको राउंड टू में सीट मिली है तो आप डायरेक्टली जाकर उस कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, अगर आपने राउंड टू में जो कॉलेज मिला है उसमें अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त हो जाएगी, लेकिन जो आने वाले राउंड है आप उसमें सिक्योरिटी अमाउंट फिर से जमा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट किया है सेकेंड राउंड में कॉलेज में, यानी रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है आगे के लिए अपग्रेडेशन भी भर सकते हैं। सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला है उसके बाद भी आप अपग्रेडेशन डाल सकते हैं, वहाँ पर अपग्रेडेशन का फॉर्म भरेंगे तो आप थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप कॉलेज को रिज़ाइन नहीं कर सकते, ये रूल आप यहाँ से देख लें। सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिलता है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो विलिंगनेस टू अपग्रेड टू राउंड थ्री आप जो है फॉर्म भरेंगे, और इस तरह से राउंड थ्री में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर इस तरह से राउंड थ्री जो है स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो जो स्टूडेंट पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर जो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे, या फिर जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन कॉलेज नहीं मिला था तो वो स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पर थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद दो ऑप्शन हो सकता है, या तो उनको सीट मिल जाएगी या फिर सीट नहीं मिलेगी। अगर उन स्टूडेंट को सीट नहीं मिलती है तो वो पिछले वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी डायरेक्टली वो पिछले वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए उन सभी स्टूडेंट को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अगर थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है तो इस केस में आपको रिपोर्टेड कॉलेज में जो भी कॉलेज अलॉटेड है उसमें आपको रिपोर्ट करना ही करना होगा। किसी भी हाल में जो भी कॉलेज आपको मिला है उसमें जाके आपको रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन बनते हैं आपके पास, या तो आपको अपग्रेडेशन हुआ होगा यानी सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला था और आपने अपग्रेडेशन किया है, तो अपग्रेडेशन की केस में आपको पुराना जो कॉलेज था वहाँ से रिलीविंग लेटर लेना है। रिलीविंग लेटर लेने के बाद जो राउंड थ्री का कॉलेज है उसमें जाकर एडमिशन लेना होगा, ठीक है। या फिर आपको नया कॉलेज अलॉट हुआ होगा डायरेक्टली थर्ड राउंड में, तब आप जाकर सीट को जो है ज्वाइन कर लेंगे, और एक बार आपने ज्वाइन कर ली तो आप सीट को छोड़ नहीं सकते, रिज़ाइन नहीं कर सकते, या आपकी परमानेंट सीट हो जाती है, वो चाहे MBBS की हो, BDS की हो, या BSc नर्सिंग की हो। दूसरा केस, ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट अलॉट हो गई लेकिन ज्वाइन नहीं किया। थर्ड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप एग्जिट हो जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी जब्त हो जाएगा और आप आगे के किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही ऑल इंडिया कोटा में, ना ही स्टेट कोटा में। अब इस प्रोसेस के यहाँ तक होने के बाद थर्ड राउंड तक भी ऐसे स्टूडेंट जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला होगा वो इस राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग करेंगे, सीट आपको अलॉटेड होगी। इसमें दो केस हो सकते हैं, आपको सीट अलॉट होगी तो या तो आप अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन, यानी आपको जो कॉलेज मिला आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी जब्त हो जाएगा और अगले एक साल के लिए यानी जो 2025 में काउंसलिंग होगी उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपको काउंसलिंग से डिबार कर दिया जाएगा। आप अगर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट मिलती है उस पर एडमिशन नहीं लेते हैं तब। दूसरा है, अगर आपको सीट अलॉट हुई, आपने एडमिशन ले लिया तो आप उसको ज्वाइन करेंगे। कैंडिडेट कैन नॉट रिज़ाइन, यानी जो भी सीट आपको मिली आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, उसी के साथ कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ द रूल्स जो थे फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड के, ये पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको डिस्कस कर दिया है। बाकी पूरा डिटेल वीडियो कल आपको सुबह में मिल जाएगा, जैसे मैं ट्रैवल करके कंप्लीट अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचूंगा, तो आप जो है चैनल के साथ जुड़ जाएँ। कोई क्वेरी बचती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।